पंडित मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कांशीराम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये वो पांच शख्सियतें हैं जिन्हें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान हो सकता है। ऐसे कयास इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक टकसाल को 5 भारत रत्न मेडल का ऑर्डर दिया है। ये भी माना जा रहा है कि इस बार एक से ज्यादा हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से नहीं ऐलान किया गया कि कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन 5 दिग्गजों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर लिया गया है। मौजूदा कानून के मुताबिक एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। अगर मोदी सरकार 3 से ज्यादा लोगों को सम्मानित करना चाहती है तो उन्हें इसके मानकों में भी बदलाव करना होगा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके माध्यम से देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछली यूपीए सरकार ने देश के लिए योगदान देने वाले इन बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। पिछले साल यूपीए सरकार ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वरिष्ठ वैज्ञानिक सीएनआर राव को भारत रत्न से सम्मानित किया था। अभी तक 43 लोगों को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिनमें से 11 को मरणोपरांत दिया गया है। सबसे पहले सी गोपालचारी को इस सम्मान से नवाजा गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को भी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने भारत रत्न देने के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को एक लिस्ट और बनानी है जिसमें जो लोग सरसंघ चालक रहे हैं उन तमाम लोगों को भारत रत्न दे देना चाहिए। तो जेडीयू नेता अली अनवर ने कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की मांग उठाई है। तो यहां पर सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने सरकार पर निशाना साधा। आप जितने चाहिए, मेरा तो उनसे कहना है कि आपने गलती की है, एक लिस्ट और बनाइए। डॉक्टर हेडगवार, गुरु गोलवलकर, देवरस जी और सुदर्शन जी, रज्जू भैया, ये सब तमाम जो सरसंघ चालक रहे इन सबको भी भारत रत्न दे दिया जाए। ना ठीक है, लेकिन देखिए बाबा साहब अंबेडकर को भी भारत रत्न मिलने में बहुत देर हुआ, उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, कैप्टन ध्यानचंद को भी, मेजर ध्यानचंद को भी मिल जाना चाहिए था। तो इन लोगों को मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बिहार में, कर्पूरी ठाकुर जी हैं हमारे बिहार में, बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं, ये सब लोग हकदार हैं भारत रत्न के। तो देखा आपने, भारत रत्न अवार्ड दिए जाने के नामों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत अपना काम करना शुरू कर चुकी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।